के बराबर है, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती है न दुनिया में और न आखिरत में। तो इल्म हासिल करना हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है और इसके अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में फरमाया कि इल्म हासिल करो। यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये था कि चीन उन दिनों में बहुत दूर हुआ करता था, आज तो हम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की फ्लाइट से कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पर अपना इल्म हासिल कर सकते हैं। बहुत आज से 1400 साल पहले की बात है, आपने फरमाया था वो सागर लेते जाने के पैदल थे, कारवा जाते थे, तो आपका मतलब ये था कि भले कितनी भी तकलीफें आपको मिले, कितनी भी तकलीफें आप उठाएं, लेकिन इल्म ज़रूर हासिल करें। अगर इल्म आपके पास होगा तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं, आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इंसान कहने के लिए हुक्म दिया है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है तो कोई उससे नहीं चुरा सकता, और आपके पास धन है, सोना है, चांदी है, जायदाद है, खेत है, खलियान है, सब कुछ है, लेकिन उनके जाया होने का डर हमेशा बना रहता है और ये सोचा जाता है कि कोई ये लोग मेरे से कुछ चुरा न ले, मेरा धन, मेरा सोना, मेरा चांदी और मेरा जो नकद पैसा है वो चुरा न ले। उसी बात को मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये सब चुराए जा सकते हैं, लेकिन आपके पास इल्म है तो उसको कोई नहीं चुरा सकता। बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, बड़े बड़े सल्तनतें हुई हैं, लेकिन उनमें भी जो इल्मदान थे, दानिश्वर थे, उन लोगों की आज भी हमें पहचान है, आज भी हम उनको जानते हैं, उनके बारे में पढ़ा है या पढ़ते रहेंगे, लेकिन बादशाहों के बारे में या उनके हुक्मरानों के बारे में आज हम सब भूल चुके हैं। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं अकबर पैदा हुआ था, जहांगीर था, उसका बेटा शाहजहां था। बाकी अगर दानिशों ने ये नहीं लिखा होता तो शायद उस वक्त का इतिहास भी हम नहीं बना सकते। तो ये सब इल्म की, नॉलेज की, एजुकेशन की तासीर है, जिसकी वजह से हम इसमें एक तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और लोग उन्हीं लोगों को याद रखता है जो इल्म के जरिए एक खास मुकाम एक्सेप्ट करता है, लेता है, और उसी खास मुकाम की वजह से हम उसको याद करते हैं। बड़ा मकाला थोड़ा दिक्कत के लाया था, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। और इसी सिलसिले में फातिमा बिन मोहम्मद हुसैन और ये भी अध्यापिका बनी है शिक्षा विभाग में ही, फईन फातिमा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपका कि जो लड़कियों की लाइब्रेरी इंशाल्लाह जल्द शुरू होने वाली मदरसा अल्फिया में आप इसके भामाशाह हैं। हमारे बीच में अकलियत कर्मचारियों की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचा नागौरी, इनकी भी रेलवे डिपार्टमेंट लगी है, शादाब नागौरी।